नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है। दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, जो घरों में आगजनी हुई है, वहां से धुआं अभी तक निकल रहा है। ये आग अभी तक शांत नहीं हुई है। कितने लोग मारे गए हैं, बॉडी काउंट्स की गिनती अभी पूरी नहीं हुई है। और जो चिताएं जल रही थी वो अभी तक जल ही रही हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने कम्युनल राजनीति का एक ऐसा नमूना पेश किया है जिसे कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदुओं के जख्म के ऊपर नमक जो है वो रगड़ दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से एक तूफान आया है, क्योंकि वहाँ की जो ये तीन पहिए की जो सरकार है, जो भानुमति का कुनबा है, इन्होंने फैसला किया है कि वो मुसलमानों को 5% आरक्षण देगी। इसकी डिटेल के बारे में मैं बाद में आऊंगा कि ये आरक्षण किस तरीके से देना चाहते हैं, कहां कहां देना चाहते हैं। लेकिन ये घोषणा जैसे हुई है उसके बाद से ये बाघ की तस्वीर लगाने वाली पार्टी शिवसेना और उसके मुखिया ये उद्धव ठाकरे और ये तमाम शिवसेना के जो लीडर्स हैं, ये चूहे की तरह किस तरीके से किस बिल में छिपे घुसे हुए हैं ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। इनकी घिक्की बन गई है कि अब पता नहीं ये क्या हो रहा है, क्योंकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे और ये ठाकरे परिवार जो हिंदुत्व का नारा लेकर के जो अब तक चल रही थी, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे कर रही थी, ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। और इसको एक्सपोज किसने किया है, तो इसको एक्सपोज किया है एनसीपी के लीडर और उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में जो माइनॉरिटी के मंत्री हैं, नवाब मलिक ने। नवाब मलिक ने आज ये घोषणा की है कि उद्धव ठाकरे की सरकार मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देगी। और ये रिजर्वेशन 2 phases में दी जाएगी। पहले फेज में एजुकेशन इंस्टीट्यूट होगा, मतलब ये कि जो अभी तत्काल इमीडिएट अभी जो एकेडमिक सेशन शुरू होने वाला है उसमें जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस जो हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाएगा। और दूसरा फेज ये तब होगा उसमें जो सरकारी नौकरियां हैं और जो प्राइवेट नौकरी है, याद रखिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा जॉब्स में। इसकी भी बात आज नवाब मलिक ने कही है। मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये नवाब मलिक ने ये घोषणा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की, विधान परिषद के अंदर, सदन के अंदर ये घोषणा माइनॉरिटी मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने की है। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये जो घोषणा हुई है ये सरकारी घोषणा है, ये उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया ये एक संवाद है जो दुनिया को बताया गया है कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए उन्होंने तय कर लिया है, ये फैसला हो चुका है। अब मीडिया वाले लगातार ढूंढ रहे हैं शिव सैनिकों को कि भाई बताओ, आप तो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और मजेदार बात क्या है, ये जो एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से यह खबर दी जा रही है कि यह फैसला दरअसल आखिर हुआ कैसे, ये किस तरीके से नवाब मलिक ने किस हैसियत से और किस अधिकार से उन्होंने ये घोषणा कर दिया, तो मालूम चला कि ये जो मुसलमानों को जो रिजर्वेशन देना है, कैपिटल टीवी में लगातार हम लोग जब ये सरकार बन रही थी तब से ही हम लोग इस बात को कहते आ रहे थे कि शिवसेना ने हिंदुत्व के ऊपर पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, ये पार्टी खुद को सेकुलर पार्टी बनाना चाहती है और ये मुस्लिम अपीजमेंट में लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी से पीछे नहीं रहना चाहती, और इसलिए इन लोगों ने उस शब्द के ऊपर ये सरकार बनाई है कि ये सरकार मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देगी। किस किस चीज में, तो एजुकेशन में तो देगी देगी, जॉब्स में भी देगी, सरकारी जॉब्स में भी तो देगी, प्राइवेट जॉब्स में भी देगी। और ये कॉमन विमेन प्रोग्राम का ये जो एजेंडा आज जो बाहर आया, तो शिव सैनिक और उसके नेता और उसके बड़े बड़े लोग ये अचानक से मीडिया से गायब हो गए। ये बताना नहीं चाह रहे, बोलना नहीं चाह रहे, और ये पूरा का पूरा मसला जो है वो एक ऐसे विवाद के रूप में सामने आ रहा है
कि जिसको लेकर के महाराष्ट्र की सरकार के अंदर बहुत बड़ा भूचाल होने वाला है। वो क्यों? वो इसलिए कि जैसे ये घोषणा नवाब मलिक ने विधान परिषद के अंदर किया, वैसे ही बीजेपी ने अपने सारे मोर्चे को उन्होंने खोल दिया। सही बात है, बीजेपी आज तक इस बात को कहती आ रही है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, ये गैर संवैधानिक है। और तो और मैं आपको बता दूं, जो महाराष्ट्र की जो स्थिति है, महाराष्ट्र में ऑलरेडी अभी जो वर्तमान जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो ऑलरेडी कोटा से बाहर है, 60% की कोटा से। 50% वो जो SC ST OBC के लिए है, और ये जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को जो दिया गया है जिसमें अपर कास्ट को भी रिजर्वेशन देने का प्रावधान है, वो 60% है। उसके अलावा भी अलग अलग तरीके से वहां पर रिजर्वेशन दिया जाता है जो ऑलरेडी 70 के आसपास है। ये 5% और जुट जाएगा तो महाराष्ट्र के अंदर 75-76% हर सीट और जो जॉब्स हैं वो रिजर्व हो जाएंगे, और जो जनरल कैंडिडेट है, जो जनरल के लिए जो सीट बचेगा वो 24% सीट बचने वाले हैं। तो ये आप समझिए कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, कोई तो बता रहा था कि आदित्य ठाकरे नए विचार वाले लीडर हैं, बहुत ही प्रोग्रेसिव सोचते हैं, युवाओं के बारे में उनको चिंता है, जॉब्स के बारे में चिंता है। वो चाहते हैं कि भाई जितने भी युवा हैं वो नए ढंग से एक नए समाज की परिकल्पना लेकर के चलते हैं। इनको तो मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, कहां गए ये वादे, और कहां गया ये एजेंडा, और कहां गया ये वो विजन जो 21st सेंचुरी का है। ये तो सब नए 1970-1950 का एजेंडा है, रिजर्वेशन देना, रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन से विकास। तो ये चीज तो आज ये फैसला हो गया, और इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ रही आदित्य ठाकरे की, क्यों बाहर आकर के उस बात को बताया कि भाई हम इस फैसले के साथ नहीं है। अगर तो आप साथ हैं, आप कहिए कि आप साथ हैं, आप कहेंगे नहीं क्यों? अगर आप ऐसा कहेंगे तो राज ठाकरे का जो ये जो चाबुक जो इसके गर्दन में फंसा हुआ है शिवसेना के, वो और थोड़ा ज्यादा टाइट हो जाएगा, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जीवन भर इस मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ आग नहीं जहर उगलते थे। अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से बाला साहब ठाकरे को नफरत थी तो वो मुस्लिम अपीजमेंट से थी। ये शिवसेना के विचारधारा का एक महत्वपूर्ण पिलर था कि जिसमें वो चाहते थे कि अपीजमेंट किसी के साथ नहीं हो। ऐसा नहीं कि आप किसी धर्म के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करें, लेकिन धर्म के नाम पर आप किसी को अपीज करने की कोशिश भी ना करें। और ये शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के लीडरशिप में बिल्कुल, इसको कह सकते हैं कि ये पूरा जो सपना, ये जो पूरी जो आइडियोलॉजी बाला साहब ठाकरे की थी, उसको इन्होंने नाली में फेंक दिया है। और आज सत्ता के लिए, बेटे के भविष्य के लिए इन्होंने सब कुछ पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा जो मसला है, जो नवाब मलिक ने बड़ी सफाई से कह दिया कि हम लोगों का ये एजेंडा था, वाकई एजेंडा था, और इसके विरोध में शिवसेना थी। मैं आपको बताऊं, इसके इतिहास में मैं लेकर के जाऊं, ये तो एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, ये तो पुराना इतिहास रहा है इनका। मुस्लिम अपीजमेंट के लिए ये संविधान को भी नहीं मानते हैं, ये संविधान की बात करते कि भाई संविधान को बचाना है। बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर के ये घूमते रहते हैं, उसकी कस्में खाते हैं, लेकिन संविधान के खिलाफ हमेशा काम करते। जहां जहां कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में इस तरह से बवाला मचाया है, जहां मुसलमानों को झुंझुना पकड़ाने के लिए ये लोग रिजर्वेशन की बात कर देते हैं, तो जब 2014 पहले जब एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी, तब इन लोगों ने एक अध्यादेश, जो उन्होंने ऑर्डिनेंस से रिजर्वेशन देने की कोशिश की चुनाव से ठीक पहले, क्यों? मुस्लिम वोट चाहिए। तो ये तो बवाल इन्होंने मचा दिया, लेकिन ये मसला फिर कोर्ट में चला गया, फिर सरकार चली गई, बीजेपी और शिवसेना की सरकार आ गई, उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, और अब फिर से ये सरकार बनी है तो इन लोगों ने फिर से इसको चलाया। दलील क्या है कि इस रिजर्वेशन के ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे यस कह दिया है। सवाल बहुत ही सिंपल सा है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे इस तरह के फैसले हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ धर्म के आधार पे रिजर्वेशन देने को इल्लीगल, गैर संवैधानिक ऑलरेडी वो डिक्लेयर कर चुकी है। इसलिए कई राज्यों में
इन लोगों ने इस तरह की बातें की, चाहे वो हैदराबाद ये आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, कई राज्यों में इन्होंने मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की। और ये असेंबली में कानून बना देते हैं, बहुमत होती है कानून बना देते हैं, कोई कोर्ट चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट से निरस्त कर दिया जाता है। तो ये एक अलग मसला है, लेकिन परीक्षा उद्धव ठाकरे की है, परीक्षा शिवसैनिकों की है कि क्या शिवसेना वो पार्टी बन गई है जो मुसलमानों के वोट के खातिर अपने पूरे विचारधारा को त्याग करने के लिए तैयार है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ ढकोसला है तो इसका मतलब ये साफ है कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे को बिना बताए एनसीपी के लीडर नवाब मलिक ने ये घोषणा की है तो ये मसला और भी गंभीर है। अगर पूछ के किया है तब तो ये बात कह सकते हैं कि भाई उद्धव ठाकरे बिक गए, उद्धव ठाकरे ने बकायदा कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और अगर बिना बताए उद्धव ठाकरे की ये घोषणा वो कर सकते हैं, क्योंकि वो इस ये सरकार ही ऐसी है जिसमें मुख्यमंत्री एक लुंज पुंज मुख्यमंत्री है जिसके पास कोई रियल पावर नहीं है। इसलिए कांग्रेस के लीडर्स देखिए कभी भी कुछ अनाउंस कर देते हैं, चाहे वो कोई भी मसला हो तो एनसीपी ये अनाउंस कर सकती है अपने मन से कि सरकार ने ये फैसला ले लिया है। तो अब अगर ये सिचुएशन है तो स्थिति और खराब है, वो इसलिए क्योंकि इसका मतलब तो साफ है कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे को जलील करने के लिए जो उन्होंने सीए और एनपीआर के ऊपर जो पोजीशन लिया है उसका बदला चुकाने के लिए इन लोगों ने मुस्लिम रिजर्वेशन का सुगुफा छोड़ा है। या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कहा है कि वो 7-8 तारीख को वो अयोध्या जाने वाले हैं और अयोध्या वो जाएंगे, वो हिंदुत्व के एजेंडा को लागू करेंगे, वहां पे वो पूजा पाठ करेंगे, भव्य मंदिर बनाने की कामना करेंगे। तो उसको लेग पुलिंग करने के लिए कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए ये मुस्लिम रिजर्वेशन मुस्लिम कोटा बिल का जो है बवाल इन्होंने शुरू किया है। जो भी है, एक कहावत है कि फल चाकू पे गिरे या चाकू फल पे, कटना फल को ही होता है। उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में आकर जिस तरह के रास्ते को चुना है वो रास्ता शिवसेना के लिए वो डेट्रिमेंटल है, शिवसेना के लिए नुकसानदेह है। वो कुछ भी होता रहेगा जब तक ये लोग एक साथ रहेंगे, इस तरह के जो विचित्र एकदम बिल्कुल विरोधाभासी विचारधारा के साथ ये हाथ मिलाकर के सरकार चलाने की जो कोशिश है वो हमेशा शिवसेना के लिए खतरनाक साबित होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।